स्टेशन पर पड़ा रहा 18 घंटे तक शव। जी हां, एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। आसनसोल 10 दिसंबर को हावड़ा रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस के सामान्य बोगी में हावड़ा से सवार हुए मोहम्मद करामत और उनके पुत्र मोहम्मद फिरोज बिहार जा रहे थे। बर्दवान आसनसोल के बीच मोहम्मद करामत को ट्रेन में हार्ट अटैक हुआ। आसनसोल रेलवे स्टेशन पहुंचने पर तत्काल इसकी सूचना रेलवे अस्पताल के चिकित्सकों को दी गई। सूत्रों की माने तो खबर मिलने के करीब 1.5 घंटे बाद पहुंचे रेल मंडल अस्पताल के चिकित्सक ने मौके पर पहुंचे मोहम्मद करामत की जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। मोहम्मद फिरोज की माने तो आसनसोल स्टेशन में शनिवार की रात करीब 2 बजे पहुंचने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी GRPF को दी, लेकिन उनके पिता की गंभीर हालत के बावजूद उन्हें एम्बुलेंस प्रदान नहीं की गई कि उन्हें इलाज के लिए तत्काल किसी अस्पताल में ले जाया जा सके। फिरोज की माने तो संभवतः उसके पिता को समय पर अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। इधर रात 2 बजे उनके पिता को मृत घोषित किए जाने के बावजूद उनके पिता के शव को प्लेटफॉर्म से नहीं उठाया गया। एक तो पिता की मौत का गम, ऊपर से करीब 18 घंटे तक अपने पिता के शव के साथ स्टेशन में किसी और प्लेटफॉर्म पर घूमते रहना। सूत्रों की माने तो स्टेशन में शव उठाने का कार्य करने वाले डोम विक्की डोम, सिकंदर डोम, नेपाली व शंकर ने बताया कि शव उठाने के बदले मिलने वाली राशि बढ़ाने की मांग की गई। उन्होंने साफ कहा कि पहले 1000 रुपए शव उठाने के लिए मिलते थे, उक्त राशि बढ़ाए जाने के बजाय उसे कम कर 700 रुपए कर दिया गया। हम लोग जिस तरह से ये कार्य करते हैं कोई और शायद ही कर पाए। उक्त राशि जब तक बढ़ाई नहीं जाती तब तक वे लोग शव नहीं उठाएंगे। अपनी मांगों को GRPF अधिकारियों के समक्ष रख वे स्टेशन के साथ 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही छोड़कर चले गए। आने जाने वाले यात्री यह देखकर मृतक के पुत्र मोहम्मद फिरोज दर्द महसूस करते देखे गए। मोहम्मद फिरोज अपने पिता के शव के पास यूं ही बैठा रहा। करीब 18 घंटे बाद GRPF अधिकारियों की पहल पर डोम युवकों को समझाया गया, जिसके बाद कहीं रविवार की दोपहर मोहम्मद करामत के शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज। दिक्कत यही है कि अरे मेरा चेयर लोग बोल रहा कि 700 रुपये में काम नहीं करेंगे, इतना कम हाजिरी में अपना बिकी तुम समझो हम काम नहीं करेंगे, बस सीधा बोल रहा। तो ये 8 बजे से पड़ा हुआ था, ये लोग जाने रहा, दिक्कत का पैसा कम कर दिया, यही दिक्कत है बस, और कोई चीज़ दिक्कत नहीं। हमको GRPF से तकलीफ नहीं है, तो तकलीफ यही है कि पैसा काहे कम कर दिया। तो पड़ा हो रहे जब मेरा पेटे नहीं भरा तो वैसा काम करो फ़ायदा का है? उसका चलती हमारे शराब नहीं पीते, शराब पीना स्टार्ट कर दिए, वो काम का चलती खाना नहीं ढूंढता है जाते घर, तो मेरा ठेला है अपना, गेट बोडेट है, दूसरा काम में लगा नहीं सकते हैं, सब चीज़ मेरा है, ठेला बांस GRPF कुछ नहीं, सब चीज़ मेरा। एक सर बॉडी जाएगा, देखिए IC साहब से भेंट करेंगे, वो बोलेगा तबे यहाँ से बॉडी जाएगा, नहीं जाएगा नहीं बॉडी, अगर बोल देगा कि पैसा आ देगा 3000 रुपये तबे जाएगा नहीं कुछ नहीं। क्या करेंगे, ये काम छोड़ के हम जा नहीं सक रहे, कहूँ 7 साल हो गया, 7 साल अपना चाचा घर नहीं गया, ये काम का चलती कहूँ जा नहीं सकूँ, ये काम करते लोगन कर ठेला चलाते हैं कलकत्ता में, ये घर ले जा रहे थे, ये अल्लाह माल बता सकता है क्या हुआ रास्ते में, हम तो कहते हैं अच्छी तेली से घर पहुँचने के लिए, रास्ते में क्या हो जाएगा ऊपर वाले हाथ में, इंसान का भरोसा नहीं कब चला जा सकता है, ये तो मालूम नहीं ऊपर वाला बता सकता है कब डेट हुआ था, ये नहीं बता सकते। चाह रहे थे करीब 5-6 बजे तक, करीब आशीष हम करीब साढ़े छः साढ़े सात बजे कुछ लगभग 5 बजे पहुँचे। बॉडी लेने गए तो आप बॉडी लेने गए तो क्या बोले लोग? उसने कुछ नहीं बोले, पुलिस साहब इतने बोले क्या, चलो भाई अपना जो सिस्टम कानून है वो कानून तरह से अपना काम होगा, बूढ़ी तभी मिली सर, कितना काम होगा, 3:30 बजते होगा, करीब 2 बजते होगा लगभग, ऐसा ही है। आपका नाम? आपका नाम? मोहम्मद आलम। आपके पिताजी का नाम? करामत। फिर अभी तक कोई नहीं आया, आप लोग आए तो डेड बॉडी को ये कर रहे हैं, ये तो अच्छा बात नहीं है, इसको जल्दी जल्दी इसका अगर कोई पता चलता है, उसके कागज पत्र है तो उसके माँ बाप के पास खबर करके उसको जो काम है अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, प्रशासन ध्यान नहीं दिया। मेरा नाम रुखसाना।